हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीबीपी टेक। आपका स्वागत है बीबीपी टेक में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वीवो के न्यू फ़ोन के बारे में, जो है वीवो V7 Plus। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अभी वीवो ने इंडिया में न्यू फ़ोन लॉन्च किया है और ये फ़ोन है वीवो V7 एंड वीवो V7 Plus। और फ्रेंड्स, आज हम वीवो V7 Plus के बारे में बात करने वाले हैं। और इंडिया में जो लॉन्च हुआ है वीवो V7 Plus, उसकी प्राइस करीब 21,990 रुपये है, यानी कि 22,000 रुपये रहने वाली है। और ये फ़ोन जो हमें मिलने वाला है वो मेट ब्लैक और गोल्ड वेरिएंट पे मिलने वाला है। और चलिए फ्रेंड्स, सब बात करते हैं फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में और देखते हैं बॉडी डायमेंशन क्या है। और फ़ोन जो वीवो V7 Plus है, उसकी लेंथ है 155.87 सेंटीमीटर्स, विथ है 75.74 सेंटीमीटर्स, और डेप्थ है वो 7.7 मिलीमीटर है, यानी कि ये फ़ोन वीवो V7 Plus काफ़ी स्लिम रहने वाला है फ्रेंड्स। और इसकी जो वेट है वो है करीब 160 ग्राम्स, यानी कि फ़ोन लाइट भी है। और जो फ़ोन की बॉडी है वो कंप्लीट प्लास्टिक की मिलने वाली है। इसके ये हेल्प से जो फ़ोन है उसकी वेट काफ़ी कम है, 160 ग्राम्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वीवो में कौन कौन से सेंसर यूज़ हुए हैं वीवो V7 Plus में। और फ्रेंड्स, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ई कंपास और जायरोस्कोप, ये मेन सेंसर है जो वीवो V7 Plus में यूज़ हुआ है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर, वो भी इसमें यूज़ हुआ है। इसकी मदद से आप फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। और फ्रेंड्स, अभी वीवो V7 Plus में जो डिस्प्ले यूज हुई है वो है IPS डिस्प्ले, और डिस्प्ले की साइज़ है 15.22 सेंटीमीटर्स, यानी कि 6.99 इंच, यानी कि करीब 6 इंच के आसपास इसमें डिस्प्ले है फ़ोन में। और फ्रेंड्स, इसमें जो रेजोल्यूशन यूज़ हुआ है वो है 14.40x720 HD रेजोल्यूशन जो डिस्प्ले है उसका रेजोल्यूशन HD रेजोल्यूशन है, और जो PPI पिक्सल डेंसिटी है वो 269 है। और फ्रेंड्स, इस प्राइस पॉइंट पर जो डिस्प्ले यूज़ हुई है वो वीवो ने काफ़ी लो रखी है। मे बी वो फुल HD डिस्प्ले भी रख सकते थे, और यहाँ पर उन्होंने HD डिस्प्ले यूज़ की है, और वो है IPS डिस्प्ले भी यूज़ हुई है, LED डिस्प्ले नहीं है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, इस फ़ोन का जो रेशियो है वो 18:9 है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 84.4% है, और जो बेजल्स हैं वो काफ़ी नेरो है, 2.15 mm की बेजल्स हैं। और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 84.4% है, उसके हिसाब से आपको फ़ोन की साइज़ तो वही मिलती है, पर आपको डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और फ्रेंड्स, ये तो बात की हमने डिस्प्ले के बारे में, चलिए अब बात करते हैं फ़ोन के बेसिक के बारे में। और फ्रेंड्स, इस फ़ोन में जो रैम यूज़ हुई है वो है 4GB की रैम है, और स्टोरेज है वो 64GB है, और इसमें आप माइक्रो SD कार्ड भी डाल सकते हैं, मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, और मेमोरी कार्ड आपको आप इसमें 256GB तक मैक्सिमम डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी यूज़ हुआ है। और जो ये फ़ोन है वो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम 3.2, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 7.1 नोगट के बेस पर है। और वीवो V7 Plus में जो चिपसेट यूज़ हुई है वो है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 450 विथ 1.8 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर, एंड जो GPU इसमें यूज़ हुआ है वो है एडिनो 506। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अब कैमरे के बारे में। और फ्रेंड्स, जो वीवो V7 Plus में जो रियर कैमरा यूज़ हुआ है वो 16 MP का है, और इसका एपेचर है 2.0, और रियर कैमरे से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं विथ 30 FPS में। और फ्रेंड्स, वीवो V7 Plus का जो मेन फीचर है उसका हाईलाइटेड फीचर है उसका फ्रंट कैमरा है, और फ्रंट कैमरे में इन्होंने यूज़ किया है 24 MP का कैमरा यूज़ किया है, और आप इससे बहुत ही अच्छी सेल्फी ले सकते हैं। और फ्रंट कैमरे में काफ़ी और भी फीचर्स हैं, जैसे कि फेस ब्यूटी 7.0 और फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल्स, यानी कि आप वीडियो कॉल कर जब कर रहे हो तभी सेम टाइम पर आप फेस ब्यूटी का फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो काफ़ी अच्छा फीचर है वीडियो कॉल के लिए। और फ्रेंड्स, वीवो V7 Plus में जो बैटरी यूज़ हुई है वो है 3225 mAh की बैटरी यूज़ हुई है, और फ़ोन में काफ़ी सारे और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फेस एक्सेस, यहाँ पर फेस एक्सेस का यूज़ कर आप अपना फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना फेस फ़ोन के सामने रखना होगा, और एक बार कंफर्म होने के बाद ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। और फ्रेंड्स, दूसरा फीचर है वो है फ़ोन ऐप क्लोन का फीचर है, यानी कि आप फ़ोन में दो व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, और ये यहाँ पर व्हाट्सएप और विचेट या ये दो तीन या चार ऐप्स में ही ये अवेलेबल है, यानी कि सपोर्ट कर रहा है अभी तो।
बाद में और सारी एप्लीकेशन में सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा एक और फीचर है, वो है स्प्लिट व्यू का फीचर है। इसकी मदद से आप सेम टाइम पर दो एप्लीकेशन एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सैमसंग में सैमसंग के फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी स्प्लिट व्यू का हेल्प से आप दो एप्लीकेशन एक सेम टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इस फ़ोन में वाईफाई, ब्लूटूथ और OTG सपोर्टेड भी हैं। और फ्रेंड्स, ये सभी इन्फॉर्मेशन थी वीवो के न्यू फ़ोन के बारे में, वीवो V7 प्लस के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, आपका आपकी क्या राय है इस फ़ोन के बारे में, वीवो V7 प्लस के बारे में, वो भी हमें कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।